हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम ओमकार और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आप गाड़ियां देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वो दो महिंद्रा की जिप्सी है और एक महिंद्रा की थार है बीच में के साइड में। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियां बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इन सारी गाड़ियों के ऊपर जो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, लाइट के मॉडिफिकेशन हो रखे हैं और भी बहुत सारे जो मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। और जैसे कि ये तीनों गाड़ियां नासिक के कार मॉल के अंदर एज अ सेकंड हैंड कार सेल पे अवेलेबल है, जो कि वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कार मॉल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों गाड़ियों की जो प्राइस बताने वाला हूँ, इनकी कंडीशन बताने वाला हूँ, इनके अंदर आपको जो क्या क्या फीचर्स आते हैं वो बताने वाला हूँ। पर गाड़ियां दिखाने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अभी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो तीनों गाड़ियां, आप इनकी जो सबसे पहले लुक्स देख लीजिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली गाड़ी से, ये है महिंद्रा की जिप्सी। तो आप इसकी पहले ही लुक जो है वो देख लीजिए। सामने की साइड में जो हेडलैम्प्स आपको पूरे ही स्क्वायर में मिलते हैं। ये गाड़ी जो है 1990 की है और इसकी आप पूरी जो लुक देख सकते हैं, आपको पूरे ही ओल्ड लुक में ये गाड़ी मिलती है। आपने पुरानी कई मूवियों में ये गाड़ी जो है देखी होगी, बहुत ही ज्यादा कूल लगती है ये गाड़ी। सामने के साइड में आप देखिए तो एक आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है आग छोड़ती है, मतलब लोगों के आंखों में आग छोड़ती है, तो लोगों की आंखों की जो आग है वो बुझाने के लिए इसके अंदर जो वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। सामने के साइड में कुछ बैजेस वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आर्मी का बैज लगा हुआ है। और आप पूरा इसका जो लुक देख सकते हैं, काफी सारे स्टिकर्स भी इसके ऊपर लगे हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे आपको इसके ऊपर जो स्टिकर्स मिलते हैं। इसको जो एग्जॉस्ट है वो आपको सामने के साइड में मिलता है, जैसे कि ट्रैक्टर का रहता है उस तरह से आपको जो वो इसका एग्जॉस्ट मिलता है। यहाँ पे आप इसके जो टायर्स वगैरह भी देख सकते हैं, टायर्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जो व्हील्स है वो भी काफी बड़े हैं इसके अंदर। और आगे की साइड में आपको काफी सारे जो लाइट्स मिलते हैं, मतलब आप अंधेरे में ये गाड़ी जो है वो काफी आसानी से चला सकते हैं। अगर आप फार्म में से गाड़ी चलाते हैं, खेती में से गाड़ी चलाते हैं, तो आप आराम से इसको जो वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइट्स है वो आपको काफी अच्छी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। बाकी आप इसकी साइड से भी एक बार लुक देख लीजिए, ये गाड़ी जो है पूरी ही ओपन हो जाती है, इसके ऊपर सिर्फ जो है वो कपड़े का रूफ चढ़ा हुआ है, जो कि आप निकाल भी सकते हैं। तो आप इसके एक बार जो अलॉयज देख लीजिए, आपको इसके अंदर जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ये व्हील्स जो है वो काफी ज्यादा बड़े हैं। आप इसकी जो पूरी की पूरी एक बार लुक देख लीजिए, जो ट्रैक्टर के टायर्स रहते हैं जो कहीं पे भी चलते हैं, तो उस तरह के आपको जो इसके अंदर प्रोफाइल मिलती है इनकी, और इनकी साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। पूरी आप जो वो इसकी लुक्स देख सकते हैं, साइड से आप इसकी जो पूरी ही मेन लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक्स में ये गाड़ी आपको मिलती है। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो, अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पीछे के साइड से भी आप इस गाड़ी की लुक देखें, तो पीछे के साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी मज़ेदार लुक्स में मिलती है। आप इसका जो एक बार अलॉय फिर से ठीक से देख लीजिए, आपको इसके अंदर जो फिफ्थ व्हील भी अलॉय व्हील मिलता है और कितना ज़्यादा मोटा है ये आप पूरा देख सकते हैं। इसके आप जो वो टेल लैम्प्स देख सकते हैं, जो गाड़ी की पूरी लुक है वो आप देख सकते हैं, जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। और ये जो कैन है ये आपको पबजी की कैन की याद दिलाती होगी, जो इसके अंदर जो आप एक्स्ट्रा फ्यूल भी रख सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है तो इससे आप जो वो और भी फ्यूल आपके गाड़ी के अंदर भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फ्यूल की कैप मिलती है। अंदर के साइड से भी मैं आपको इस गाड़ी को दिखाऊं तो इसका जो इंटीरियर है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है। पीछे के साइड में भी दो तीन लोग जो वो आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पे आपको जो वो बैठने के लिए जगह मिलती है साइड में, यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जो वो जगह मिल जाती है। तो काफी अच्छी जो है, मतलब अगर आप फैमिली हो, अगर आप दोस्त हो, तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो वो काफी मजा आने वाला है, रात को राइड करने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इस तरह की जो गाड़ियां है वो अभी के फिलहाल के टाइम में एक प्रैक्टिकल कार की तरह काम नहीं करती। सिर्फ आपको मजे के लिए इस तरह की गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा। और इसके अंदर आप इंटीरियर देखें तो इसके अंदर आपको जो ग्लव बॉक्स है वो लॉक के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको जो वो स्पीडोमीटर मिलता है 140 की, इसके अंदर आपको टॉप स्पीड मिलती है। ये है इसका गियर बॉक्स, तो ये भी आप देख सकते हैं, गियर नॉब आपको कुछ इस तरह का मिलता है। ये है आपका पार्किंग ब्रेक, और जो स्टेयरिंग है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी पूरा ही कस्टमाइज्ड है। ये है इस गाड़ी का कपड़े का रूफ, ये जो है ये बाद में निकल जाता है, जो लास्ट में गाड़ी खड़ी है उसका पूरा ही ओपन है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका ओपन करने को बहुत टाइम लग जाएगा। और इन तीनों गाड़ियों की जो प्राइस होने वाली है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाली कार जो कि होने वाली है महिंद्रा की थार। तो आप ये भी गाड़ी पूरी देख सकते हैं, ये भी पूरी कस्टमाइज है। इसका जो फ्रंट है वो पूरा ही चेंज है, तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा किलर लुक इसका दिख रहा है, पूरी ही एग्रेसिव दिख रही है गाड़ी सामने के साइड से। यहाँ पे आपको जो थोड़े से एलईडी लैंप्स मिलेंगे, मतलब इसके अंदर भी थोड़ी सी जो लाइट की ट्रीटमेंट की है। ऊपर के साइड में भी आपको जो एक बड़ा सा लाइट मिलेगा, ये भी एलईडी लैंप है।
इसको भी आप अंधेरे में चला सकते हैं, मतलब अंधेरे में ये भी आपको काफी अच्छा लाइट का थ्रो देने वाली है। यहाँ पे भी आपको जो एलईडी लैंप्स मिल जाते हैं, मतलब लाइटिंग की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो व्हील्स है वो आप देख सकते हैं, आपको जो वो स्टील व्हील्स मिलते हैं और ये भी काफी ज्यादा बड़े हैं। आप दोनों तीनों गाड़ियों को जो कंपेयर कर सकते हैं, काफी बड़े बड़े व्हील्स आपको इन तीनों गाड़ियों के अंदर मिलने वाले हैं और टायर की जो साइज है वो भी काफी अच्छी है, टायर भी जो है वो काफी मोटे होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको थार सीआरडी की बैजिंग मिलती है और जो पूरी लुक है इस गाड़ी की वो आप देख सकते हैं। जो इसका पीछे का रूफ है वो आपको पूरा ही हार्ड टॉप के साथ ये गाड़ी मिलने वाली है। जो गाड़ी वो काफी ज्यादा कूल है, मुझे पर्सनली ये गाड़ी जो लुक के हिसाब से काफी ज्यादा पसंद आई। इसके अंदर भी आपको जो पीछे के साइड में एक व्हील मिलता है एक्स्ट्रा। जो गाड़ी के लुक्स है वो आप पूरी ही देख सकते हैं, पीछे के आप टेल लैम्प भी देखें तो ये भी पूरे ही कस्टमाइज्ड है। तो आपको काफी मतलब अच्छी अच्छी लुक्स में गाड़ी मिलने वाली है। पीछे से मैं इसकी आपको एक बार बूट भी दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरह की जो इसकी बूट मिलती है, आपको कुछ इस तरह से बूट जो है वो खोलनी पड़ेगी। तो ये आप पीछे भी एक बार देख लीजिए, इसका जो गेट है वो बहुत ही ज्यादा हेवी है, मतलब बहुत ही तगड़ी है ये गाड़ी। और अंदर का जो मतलब इंटीरियर है वो भी बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई किया है। यहाँ पे आपको एक सनरूफ भी मिलता है, एक मैनुअल सनरूफ होने वाला है। ऊपर के साइड में आपको काफी अच्छी जो फिनिशिंग मिलती है, मतलब जो मर्सिडीज की जी वैगन है उसकी तरह आपको इसके अंदर जो कुछ इंटीरियर मिलने वाला है। यहाँ पे आप पूरा इसका जो इंटीरियर देख सकते हैं। सामने के यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड के ऊपर एक एंड्रॉइड स्क्रीन भी मिलने वाली है, मैं आपको वो जो है वो आगे से दिखाऊंगा। तब तक आप यहाँ पे पीछे के साइड में इसके जो वूफर स्पीकर्स वगैरह भी देख लीजिए, मतलब आपको म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर आगे से। इसका जो इंटीरियर है वो आगे से भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट मिलता है और आगे से भी आप ये गाड़ी जो वो पूरी ही देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स भी है नीचे के साइड में, जो एसी वेंट है वो भी आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी न्यू शेप में आती है, ये थोड़ी 1990 की गाड़ी है तो ये थोड़ी पुरानी होने वाली है आगे की गाड़ी। ये थोड़ी 2000 के बाद की गाड़ी है, मतलब 2005-2010 की गाड़ी है। तो इसके अंदर आपको थोड़े से जो नए फीचर्स भी आ जाते हैं। तो पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी आपको जो ये गाड़ी मिल जाती है, काफी अच्छे लुक्स के साथ ये गाड़ी मिलती है। अभी हम बात करते हैं लास्ट वाली गाड़ी के बारे में। ये भी महिंद्रा की जीप है, इसकी भी आप पूरी लुक देख सकते हैं। ये भी बहुत ही रेयर गाड़ी है, मतलब इस तरह की गाड़ियां मिलना मतलब आपके नसीब में होना चाहिए आपको, तभी इस तरह की गाड़ियां मिलेगी। क्योंकि इस तरह की जो गाड़ियां रहती है वो लोग शौक के लिए जो वो संभाल के रखते हैं, तो इस तरह की गाड़ियां जो वो जल्दी सेल के लिए अवेलेबल नहीं होती है। पर हमारे पास जो वो तीन तीन गाड़ियां अवेलेबल है। तो इसके आप सामने के साइड के लाइट्स भी देख सकते हैं, आपको इसके अंदर भी काफी अच्छा जो लाइट का थ्रो आने वाला है। ये भी जो फर्स्ट वाली गाड़ी थी उसकी तरह आपको सेम शेप में मिलने वाली है। इसके भी जो हेडलैम्प्स है वो स्क्वायर शेप में है, हैलोजन हेडलैम्प्स है। और जो पूरी लुक है वो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको और एक स्पेशल बात बताता हूँ कि इसके अंदर जो वो इंजन टोयोटा का लगा हुआ है, जो फर्स्ट वाली गाड़ी है उसके अंदर भी जो इंजन टोयोटा का लगा हुआ है, मतलब जो इंजन की क्वालिटी होने वाली है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग इंजन होने वाला है। और सबसे मेन फीचर इस गाड़ी का, ये जो गाड़ी है ये पूरी ही ओपन है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाली जो गाड़ी थी वो भी ओपन हो सकती है, पर ये गाड़ी जो है वो आपको पूरी ही ओपन देखने को मिलने वाली है। इसका भी एक बार जो है वो आप इंटीरियर देख लीजिए, आपको सेम इंटीरियर मिलता है, सेम गियर बॉक्स मिलता है। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको मारुति का स्टेयरिंग व्हील मिलता है। तो आप पूरा ही देख सकते हैं, आपको ये गाड़ी जो है वो कुछ इस तरह से मिलने वाली है। जो पीछे के सीट्स है वो आपको कुछ इस तरह के मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो वो दोनों साइड में जो वो सीट्स मिलने वाले हैं, इसकी भी आप जो वो पूरी ही एक बार लुक देख लीजिए। ये भी गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ मिलती है। इसके भी आप जो वो अलॉयज देख सकते हैं, काफ़ी बड़े अलॉयज हैं। तो कुछ इस तरह की ये गाड़ी आपको जो वो तीनों गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं इन तीनों गाड़ियों की प्राइस के बारे में बात करूँ तो जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 4.5 लाख से, 4-4.5 लाख से जो रेंज है इन तीनों गाड़ियों की स्टार्ट होती है। तो अगर आपको इन तीनों गाड़ियों में से कोई सी भी कार पसंद आती है तो आप नासिक के कार मॉल में आके विजिट कर सकते हैं। या जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके इन तीनों कार्स की जो डिटेल्स ले सकते हैं। तीनों कार जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, तीनों कार्स के अंदर जो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इन तीनों कार्स में से कोई सी भी कार पसंद आती है तो आप यहाँ पे आके जरूर विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेम वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।